ईशान किशन ऐसे खेल रहा था लाइक फाइन यार, आई एम प्लेइंग दैट्स ऑल। अली डेफिनेटली आपको मैं बता दूं, इंडिया इस वर्ल्ड कप को ले जाने के मूड से आया है। दोनों कंट्रीज के ऊपर के लोग नहीं बैठेंगे, आपकी क्रिकेट कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकती। उन दोनों को खुश होना बहुत जरूरी है, उन दोनों के माइंड मिलना बहुत जरूरी है। देखिए तारिक को यकीनी तौर पर तोड़ना पड़ेगा, अगर हिस्ट्री उठा के देखें वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया, यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने आज तक कोई मैच इंडिया से नहीं जीता। और बहुत टफ टाइम देंगे और कोई अपसेट भी हम कर सकते हैं, हरा सकते हैं, अपसेट कर सकते हैं, यानी कि आप भी जो है वो आप भी बहुत बहुत आते हैं। मतलब आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। T20 की एक नंबर टीम को जिस तरीके से भारत ने रौंदा है, उसके बाद से पाकिस्तानियों की नींद के अंदर भी ईशान किशन के छक्के आ रहे हैं और KL राहुल के चौके आ रहे हैं। पाकिस्तानी लोगों को इतना डर और घबराहट हो गई है, जिस तरीके से भारत जीती, इतने शानदार तरीके से इतने बड़े स्कोर को चेस किया है, पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट की और पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी की भिट्टी बन गई है। अभी तक तो ये दावे कर रहे थे कि पाम जीत जाएंगे, ये जीत जाएंगे, लेकिन इस डिस्कशन को सुनने के बाद में जो डर और खौफ पाकिस्तान मीडिया के अंदर आपको दिखाई देगा ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको मजा आ जाएगा। एक प्रैक्टिस मैच के बाद में इन पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत को टफ टाइम देगा, इनको ये शोर नहीं है अपनी टीम के ऊपर कि नहीं हम हरा देंगे, जिसके अंदर तो ये पाकिस्तान के बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट के। और मैं बिल्कुल भी बीच में नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट के अंदर लोग डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते हैं, वो सीधा वीडियो देखना पसंद करते हैं, पूरा डिस्कशन सुनना पसंद करते हैं। ठीक है, यू नो इंडिया पाकिस्तान के मैच में फिर से वही बात बोलूंगी, पाकिस्तान जो रिकॉर्ड पाकिस्तान का रहा है प्रीवियस वर्ल्ड कप में, ऑब्वियसली दुराने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन द पॉइंट इज कि द रीजन व्हाई पाकिस्तान हैजंट डन वेल इज बिकॉज पाकिस्तान प्रेशर में आ जाता है। और वाकई अगर वो इंडिया कह रहे हैं कि वो उसको एक एज ए नॉर्मल गेम ट्रीट करते हैं, तो वो वाकई ही ऐसे ही ट्रीट करते हैं जिस तरह के वो किसी भी, आई एम श्योर उनके शायद प्रेशर तो होगा, मैं ये नहीं कह रही कि प्रेशर उन पे नहीं होगा, प्रेशर उन पे भी होता है पाकिस्तान इंडिया का मैच है, बट वो प्रेशर को हैंडल बेहतर करते हैं, मैं ये कह रही हूँ, जिसकी वजह से उनका सक्सेस रेट रहा है वर्ल्ड कप में या बड़े बड़े टूर्नामेंट में। आई फील इस मैच में सबसे बड़ी चीज इज अगेन फॉर मी पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग मसा मसा आपको पता है बचा लेती है कहीं ना कहीं, अगर 170 180 करता है पाकिस्तान तो बॉलिंग आपकी है कि वो डिफेंड कर लेती है, लेकिन जहां आपकी बॉलिंग ने आपको लेट डाउन किया है वहां पे पाकिस्तान मैचेस हारा है। कि आपने भी बात की उस मैच की, हर कोई बात कर रहा है, चाहे पड़ोसी मुल्क हो या फिर पाकिस्तान हो, मुख्तलिफ किस्म के एडवर्टाइजमेंट भी बनाए जा रहे हैं, बट पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन दैट मैच, पाकिस्तान और भारत का जो मैच होगा उसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ताकि ये मैच अपने नाम कर ले। देखिए तारिक को यकीनी तौर पर तोड़ना पड़ेगा, अगर हिस्ट्री उठा के देखें वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया, यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने आज तक कोई मैच इंडिया से नहीं जीता, और पूरी हाइट जो है उनका पूरा सोशल मीडिया, उनका तमाम चैनल यही पाकिस्तान को यकीनी तौर पर कह जा रहे हैं, और पाकिस्तान को इन चार चीज़ों को पीछे भुलाकर आगे की तरफ जाना है। और हमारे बाबर ने जिस तरह बात की फ्रंट से लीड करने की बात की, बाबर को फ्रंट से लीड करना पड़ेगा और पूरी बैटिंग करनी पड़ेगी, और हमारी जो प्लानिंग है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अपने ज़राए बताते हैं पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा लो स्कोरिंग मैच होगा, और यकीनी तौर पर 13 लोगों से उनको मुकाबला करना पड़ेगा, 11 खिलाड़ी है, 2 अंपायर है, तो ICC को चला हो रहे हाईजैक किया हुआ उन्होंने पूरी तौर पर, जिस तरह की वो चार हैं स्क्रिप्ट की वजह से, मगर पाकिस्तान की टीम को एक बहुत ग्रिप करनी पड़ेगी। तनवीर, हम एक मैच के ऊपर इतनी बात करते हैं, अगर रेगुलर सीरीज होने लगे तो कितना अच्छा हो ये क्रिकेट के लिए भी और दोनों मुल्कों के लिए भी। देखिए छोटी सी बात ये बोलूंगा कि BCCI का कोई चेयरमैन बने या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी चेयरमैन बने, जब भी कोई आता है वो आता है मिलने की कोशिश करते हैं, मुलाकात भी होती है या फ़ोन पे बात होती है, जो कुछ भी होता है उसके बाद यही, चाहे उनकी तरफ से हो चाहे हमारी तरफ से हो, आवाम को यही बोला जाता है कि अच्छा सेटअप बन जाएगा, सेटिंग हो जाएगी, बात हो जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा, घबराए नहीं, क्रिकेट शुरू हो जाएगी, सब कुछ। चेयरमैन की हद तक दोनों की तस्वीरें लग जाती हैं मीडिया में, न्यूज़ में आ जाती है, दोनों की हद तक तो बहुत पब्लिसिटी हो जाती है, बहुत खुश हो जाते हैं वो लोग दोनों, ठीक है, लेकिन बात यह है कि जब तक दोनों कंट्रीज के ऊपर के लोग नहीं बैठेंगे आपकी क्रिकेट कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकती। उन दोनों को खुश होना बहुत जरूरी है, उन दोनों के माइंड मिलना बहुत जरूरी है, तब जाके आपकी क्रिकेट स्टार्ट होगी, वरना आप नीचे से जो कुछ भी करते रहे, जब ऊपर से इजाजत नहीं होगी तो क्रिकेट का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल सही है, नाज़रीन डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कमर्शियल ब्रेक। इंडियन ने जितना भी न्यू ब्लड लेके आते हैं, एक तो वो लगता है दे आर एट ईज एंड दे आर एट होम, दिस मीन्स कि उनका जो पाथवे है वो बहुत ही प्रोफेशनली स्ट्रक्चर्ड है। ईशान किशन ऐसे खेल रहा था लाइक फाइन यार, आई एम प्लेइंग दैट्स ऑल। हम लोगों ने अभी देखा कि हैदर अली वाज इन ब्रेथ टेकिंग फॉर्म,
और ठीक है कि उसका जो इनिशियल एंट्री हुई, शुरू उसने भी 50 से किया था T20 अगेंस्ट इंग्लैंड मैनचेस्टर में, पर उसके बाद ही लॉस्ट हिमसेल्फ, उसको प्लॉट शायद समझ नहीं आता था कि ही वॉज ट्राइंग टू बी टू एग्रेसिव और पावर हिटिंग और वट एवर, पर इस T20 में जिस तरह वो वापस आया, मतलब मैं तो ऑनेस्टली ऑन एयर कहूँगा कि बहुत सारे प्लेयर्स बहुत सारी और वजूहत की बिना पे वापस आए, बट हैदर अली का आप कह सकते हैं कि ही एक्चुअली पुश्ड हिमसेल्फ इन, लेकिन हमने अभी भी वही देखा जहन में, पहले फ़खर को 5 पे ट्राई करते रहे क्योंकि बाबर रिजवान से ओपन करानी, आज ठीक है इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू हैव फ़खर एट नंबर 3, बट फिर कहाँ गया हैदर अली? सो अगर पर्पल पैच है तो किधर है हैदर? तो हम ट्रस्ट क्यों नहीं करते फिर? आई थिंक डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के पास काफ़ी प्लेयर्स हैं, उनके बैंक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, अगर आप देखें ना उनके हर पोजीशन पे 2 से 3 प्लेयर्स उनके पास हैं, तो उनके लिए जो ना ज़्यादा इजी है कि वो प्लेयर्स को कंसिस्टेंटली वो कॉन्फिडेंस भी दे रहे, परफॉर्म भी कर रहे हैं, रिसेंटली अभी वो IPL भी उधर खेल चुके हैं। तो मेरा ख्याल एक तो ये है कि उनके पास प्लेयर ज़्यादा है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे वो चीज़ नहीं है। हम तो पिछले साल 1.5 साल से हमने मिडिल ऑर्डर में 5वें 6वें नंबर पर कितने प्लेयर्स हमने ट्राई किए, लेकिन हमें मिल नहीं, और अनफॉर्चुनेटली हमें डोमेस्टिक में भी उस तरह के प्लेयर में नहीं मिले कि जो मिडल ऑर्डर में हैं, जिसको हम तलाश कर रहे हैं, जो हेड कोच भी बार बार बात कर रहे थे और मीडिया में सब कुछ यही बात कर रहे कि हमें मिडल ऑर्डर में प्लेयर नहीं मिल रहे। तो मैंने ख्याल से हम फिर वापस वही अपने पुराने जो प्लेयर्स हैं उन पर आ जाते हैं, जो कि जिस मकसद के लिए आपने प्लेयर सेलेक्ट किया आप उसको खिलाएं, मौका दें उसको। डू यू थिंक कि पृथ्वी शॉ, शिखर धवन जैसे प्लेयर्स जो हैं दे आर नॉट फाइंडिंग देयर मतलब प्लेसेस, तो ये इसका मतलब है कि मतलब उन्होंने अक्षर पटेल को ड्रॉप कर दिया क्योंकि वरुण चक्रवर्ती आया, शायद वो उनका सेंसेशनल किस्म का बॉलर है एंड ही विल अगेन बी एक्स फैक्टर इन द एंटायर वर्ल्ड कप। नहीं, उसकी जगह कोई और आया, वो नहीं आया। वो नहीं आया, कौन आया? वरुण चक्रवर्ती इज पार्ट ऑफ द टीम, वो तो शार्दुल ठाकुर तो उसकी जगह है अक्षर पटेल की जगह, बिकॉज हार्दिक पांड्या ने बोली पड़ेगी। अली डेफिनेटली आपको मैं बता दूं, इंडिया इस वर्ल्ड कप को ले जाने के मूड से आया है, ठीक है, और आप देख लें वार्म अप मैच के अंदर जिस तरह से, जब मैं अपना यूट्यूब का शो करके निकला तो मेरे साथी जो वासे उन्होंने कहा कि यार इंडिया हार गया मैच क्योंकि इंग्लैंड की पोजिशन काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही थी। मैंने बोला यार 1 या 1.5 ओवर पहले ये निपटा देंगे सारा काम। उसकी वजह ये है कि अभी रिसेंटली IPL से फ्री हुए हैं, KL राहुल टॉप स्कोरर, ठीक है, IPL के। आप नीचे आ जाएँ, ईशान जो एलिमिनेटर से लेके आगे तक रहे, ठीक है, उन्होंने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद नीचे ऋषभ पंत जो ऑलरेडी दिल्ली कैपिटल जो रिकी पॉन्टिंग उनके कोच थे, तो वो परफॉर्म करते हुए आ रहे। तो इंडिया के पास इतना बैकअप है कि अगर वो बंदा रिप्लेस भी करना होगा तो उसकी जगह 100% बंदा होगा, मतलब उनको कोई चॉइस, उनके पास चॉइसेस की कमी नजर नहीं आ रही। फ्लाइंग स्टार्ट जिस तरह मैंने पहले कहा कि 5-6 ओवर के अंदर 50-60 रन उन्होंने स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे, उसने बड़ा मोमेंटम एक सेट किया। दूसरा ये कि आप ये देखें, उन्होंने जहां पर उनको अपनी वीकनेस नजर आ रही है ना, वहां उन्होंने आज 4-4 ओवर अपने बॉलर से पूरे फेंकवाए, ठीक है, उन्होंने बॉलिंग में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। शमी से पूरे ओवर करवाए जो उनके रेगुलर बॉलर हैं, बुमराह उनसे पूरे ओवर करवाए, फिर अश्विन जो 4 साल के बाद अब T20 के फॉर्मेट के अंदर दोबारा जलवागर हो रहे हैं, तो प्लेयर्स टू वॉच की लिस्ट के अंदर है, तो अश्विन पे बड़ा डिपेंड कर रही है टीम उनकी। वहां पे हार्दिक पांड्या थोड़ा सा मुझे है उसके अंदर कि उनको लेकर जो है ना शायद मेन मैचेस के अंदर मुश्किल आएंगी, तो उनकी जगह हो सकता है शार्दुल ठाकुर को टीम के अंदर इंडक्ट कर लिया। तो जो मोस्ट प्रोफेशनल टीम इस वक्त नजर आ रही है अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड, ये 3 टीमें बड़ी प्रोफेशनल नजर आ रही हैं। परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं हुए? नहीं, परफॉर्मेंस से मैं ये नहीं कह रहा कि परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि शादाब 2 ओवर बुरका पहना दिया, उसके बाद किया क्या? इसके 2 ओवर के लिए लेके गए, ठीक है, मलिक को आपने इस नंबर 5वें नंबर पे लिया है, हफीज को आज आपने देखा 1 साल से फिर बेकार जा रहे हैं, 2020 बहुत अच्छा गया, अब 2021 बिल्कुल फारिग जाएगा, क्या मतलब है, ये प्रूव करना चाह रहे हैं वो। तो हफीज की फॉर्म भी बहुत जरूरी है, उनका फॉर्म में आना जरूरी है। फिर पाकिस्तान का जो प्लेइंग 11 होगी, जो खासतौर पर जो बैटिंग स्ट्रेंथ होगी ना, उसको देखना है कि किस तरह से यूटिलाइज करना है। आपके पास जो नंबर हैं ओपनर्स के, वो वहां पे तो रिजवान और बाबर बैठे हुए, तो मसला इनकी बैटिंग में आ रहा है। बाबर ने क्यों कहा कि हमारी जो स्ट्रेंथ होगी वो बैटिंग होगी, वो इसी वजह से कहा कि वीक वहीं पर नजर आ रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि किस मैच में किसको किस नंबर पे खिलाना है, मैन टू मैन मार्किंग ही नहीं करी हुई। पहला मैच आपने खेलना है इंडिया से, इंडिया जो इतनी सॉलिड है, अभी 2 महीने का वो IPL निपटा कर आ रहे हैं, सारे प्लेयर गरम है, कुछ जीते हुए हैं कुछ हारे हुए हैं, मगर सारे प्लेयर सॉलिड हैं, अच्छी प्रैक्टिस उनको मिली हुई है, कंडीशन उनको सूट कर रही है। तो यहां देख लें आप वार्म अप मैच के अंदर उन्होंने आसान नहीं लिया इसको, उन्होंने टारगेट को हिट किया है और 20 ओवर से पहले हिट किया उन्होंने, ये तो आखिरी बॉल पे भी जीत सकते थे।
ठीक है, आखिर में जीत सकते थे, लेकिन आज एक और चीज़ जो ये वो ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है इसमें मुकाबला जो है वो बराबर का होगा, जोड़ जो है वो बराबर का पड़ेगा, क्योंकि पहले मैच ने ये बता दिया क्योंकि दोनों ही टीमें अपने वार्म अप मैचेस 7-7 विकेटों से जीती हैं। आपको लगता है इंडिया के अच्छी प्रैक्टिस मिल गई बैटिंग की, जिस तरह इफी भाई भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के बैट्समैन को इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं मिल सकी क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था? नहीं देखें, इंडिया तो मैं पहले भी बात करी, आईपीएल पूरा उन्होंने वहाँ खेल लिया, वो कंडीशन से पूरे हमहांग हैं, तो सारे प्लेयर्स खेल रहे थे ना वहाँ पे, और इतना लंबा आईपीएल अगर कंडीशन से हमहांग है तो फिर बॉलर्स भी हमहांग होने चाहिए ना, तो 188 रन स्कोर बोर्ड यार, तो T20 क्रिकेट में इस तरह रन बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो होता है कि आप एटमोसफेयर से हमहांग होना, ठीक है, चेज भी तो कर लिया उन्होंने एक ओवर पहले, कि उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता है कि हम कितने रन पे जाके हम जो है चेस कर जाते हैं, तो हम इन जैसे इफी बात कर रहे थे कि एक प्लेयर के पीछे एक प्लेयर और सेम प्लेयर, अगर अगर कोई ऐसा प्लेयर इंजर्ड हो जाता है उसकी जो रिप्लेसमेंट आएगी तो वो वैसे ही प्लेयर होगा, उसकी परफॉर्मेंस उसी तरह की होगी। हमारी यहाँ मसला ये है कि हमने एंड में आके फिर वही देखें शमशेर मलिक की तरफ देखा हमने, क्योंकि हमने तैयार ही नहीं किए प्लेयर, और वही लोग फिर उस क्रिकेट में ही बैठे। पाकिस्तानी तुम कितनी भी प्लानिंग बना लो, तुम कितने भी डिस्कशन कर लो, होगा वही जो हमेशा से होता आया है। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि भैया आप बीच में मत आया करो, वीडियो सीधा जाने दिया करो, डिस्टरबेंस होता है, हमारी टोन टूट जाती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, जैसा कि आपको पता है ये पाकिस्तानी मीडिया के वीडियो होते हैं, हम ओरिजिनल अपलोडर नहीं होते हैं, ओरिजिनल अपलोडर इनके पाकिस्तान में होते हैं। अगर मैं उनका वीडियो कॉपी करके ऐसे के ऐसे उतार दूंगा ना वीडियो को, ना तो आप पूरा वीडियो देखेंगे, ना ये यूट्यूब के लिए सही है, समझ रहे हो। और YouTube क्या करता है, अपने आप से रिव्यू करता है चैनल का, और उसको लगता है कि ये पूरा कॉपी कर रहा है, कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है अपने वीडियो के अंदर, तो वो मोनेटाइजेशन डिसेबल कर देता है। और आपके भाई का पिछले 4 महीने पहले हो चुका है, और 4 महीने आपके भाई ने पाकिस्तान की तरह गुजारे हैं, कभी किसी से हाथ फैलाया, कभी किसी से हाथ फैलाया, मुझमें और कटोरा खान में कोई फर्क नहीं रह गया था इन 4 महीने में। गजब बेइज्जती है। आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।